हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल में, आज एनुअल डे फंक्शन है, तो मैं और कान्हा जा रहे हैं न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ ग्राउंड। तो ये अक्षरधाम के पास में है, तो हम दोनों घर से निकल चुके हैं और अभी हम हैं NS 24 में। तो अभी दिन का 2 बज रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, तो अभी भीड़ भाड़ भी कम है, कोई ट्रैफिक की समस्या भी नहीं है। और इस साइड को है वैशाली और हमें जाना है अक्षरधाम। और यहाँ पे मैंने गूगल मैप डाला है, तो अभी मुझे जाना है 10 किलोमीटर लगभग। 10 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर के अराउंड ये है कॉमनवेल्थ ग्राउंड। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे, बच्चों के स्कूल प्रोग्राम में, एनुअल डे पे। वो रहा कूड़े का डंप गाजीपुर मंडी, आप लोग देख सकते हैं वो कूड़े का डंप, और वहाँ पे ढेर सारे पक्षियाँ उड़ रही हैं क्योंकि वहाँ पे सारा डस्ट रहता है। तो यहाँ पे काना काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं, और मैं तो, मुझे टाइम ही नहीं मिला तैयार होने का, मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हुई तब तक ये आ गए थे, तो मुझे आना पड़ा क्योंकि सुबह से घर के काम निपटाते निपटाते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। और अब मैं नेल पेंट लगा रही हूँ गाड़ी में क्योंकि टाइम ही नहीं था, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत गंदे हो रखे हैं। तो यहाँ पे से हमें नीचे फ्लाईओवर जाना था, हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गए हैं जबकि हमें पता है, लेकिन क्या यहाँ पे से वो टर्न ना बंद कर दें इन्होंने, तो हमें जाना पड़ रहा है बैक के, देखो बैक साइड जाना बहुत टफ होता है क्योंकि पीछे से बहुत गाड़ियाँ आ रही है, हाईवे है ये, तो थोड़ी सी बैक जाना है क्योंकि ऊपर से टर्न करनी है। तो यहाँ पे से हम नीचे से डायरेक्ट अक्षरधाम होते हुए चलेंगे, है ना, वहीं से जाता है। तो आप मेरे राइट साइड में अक्षरधाम मंदिर देख सकते हैं, ये रहा अक्षरधाम मंदिर, और ये वाले फ्लाईओवर से नीचे जाना है लेफ्ट साइड से। तो हम सीधा फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गए थे क्योंकि हमें ध्यान नहीं था, आगे से टर्न बंद कर दिया है, तो हमने लगभग लगभग यहाँ पे से बैक कर दिया है। तो अब हमें जाना है यहाँ पे से थोड़ी आगे 1 किलोमीटर लगभग, फिर हमें राइट लेना है। हमें राइट का ना, तो गाइज ये है जमुना रिवर, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये पूरा ग्रिल से ना बैरिकेटिंग कर दी है, जिससे कि क्या लोग अब कोई भी डस्ट नहीं फेंक सकते हैं नीचे, नहीं तो पूरे पोल्यूशन, ये जो रिवर थी ना गंदी हो गई थी। और हम जा रहे हैं जमुना रिवर के ऊपर, तो हमें जाना है इस फ्लाईओवर के नीचे से। तो हम चढ़ गए थे फ्लाईओवर के ऊपर, और अब जाना है हमें यहाँ से राइट हैंड को। तो वो राष्ट्रमंडल HNPIU। तो यहाँ पे सेम स्कूल के और जा रहे हैं, और हम कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि गूगल मैप में भी करेक्ट लोकेशन नहीं आ रही है कि कहाँ पे जाना, तो हम यहाँ पे से थोड़ी कंफ्यूज हो गए हैं जबकि हम लास्ट टाइम भी आए थे, है ना, तो दिखाइए रहा ही जाएगा भाई, आप इसी पे चलो, इसी पे चलो। तो इस साइड को है का ना, लेफ्ट साइड को है जहाँ तक मुझे ध्यान है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्रेकर है ये देखो, क्योंकि यहाँ पे से क्रॉसिंग का था इसलिए काफ़ी बड़ा ब्रेकर है। बोलो एनएसएन में करा दे, हाँ? तो गाइज हम पहुंच चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के जो ग्राउंड है यहाँ पहुंच चुके हैं, तो हमें जाना है अंदर। तो यहाँ पे बहुत एकांत है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है आप देख सकते हो, और यहाँ पे हो रहा है बच्चों का स्पोर्ट्स एनुअल डे फंक्शन। तो लास्ट टाइम भी हम यहीं आए थे ना, लास्ट टाइम कहीं और कर रखा था, नहीं नहीं फर्स्ट टाइम था यहाँ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे, सारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो आ चुके हैं, तो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं कि पार्किंग किधर है, इधर यहीं पे भी लगा सकते हैं शायद। तो पार्किंग से काफ़ी दूर है पैदल आने का,
नहीं उसने बताया आगे है पार्किंग, तो मीन्स क्या होगी, गेट तो खुला है ये, मतलब वैसे बंदौर का गेट, तो उसकी जो पार्किंग है काफी दूर है, तो वहीं से अंदर गेट होगा जाने का, है ना? हाँ, तो वहीं पे से अंदर गेट होगा, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा जाना, तो हम अंदर से ही टहल लेंगे, है ना? कितना लगता है, बोला हमने किया था तो ये प्रॉब्लम हमारी थोड़ी थी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि कार्ड मेरे पास है, एंट्री कार्ड, तो वहाँ पे मार्च पास शुरू हो गया है, तानी ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये देखो BRGS इंदिरापुरम का यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च पास शुरू हो गया, फटाफट चल तानी है। तो ये राजीव ग्राउंड आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर है हमारी सीट, खाना सीट नंबर है U25 कुछ है। तो ये राजीव जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है BRGS स्कूल का। चलो हाँ, ठीक है, BRGS बैंड, ठीक है, ठीक। तो वाओ, यहाँ पे जो गेट है कितना सुंदर फूलों से डेकोरेट कर रखा है भैया, मैं थोड़ी देर में करूँगा, तो फ्रेश और ताजे फूलों से। गुड आफ्टरनून, तो ये है ग्राउंड, तो मैं पहुंच चुकी हूँ, ये देखो ग्राउंड में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके, सुंदर सा कहना, यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं दिख रहा है, ग्रीनरी क्यों जैसे पता। ये रहा बच्चों का मार्च, वो देखो मुझे तानी दिख रहा, मुझे छुटकु सा वो दिख तो रहा, वो रहा वो सेकंड नंबर, वो जा रहा, हेलो ना, मुझे दिख रहा हो वो, देखा। अभी हम अंदर गेट के अंदर नहीं गए, और मार्च पास शुरू हो गया, देखो यहाँ पे थोड़ी सी टाइम लग रहा है। I am very glad to put on record that with a quarter of the year still to go, 70% of our teachers have already completed their training. Forever conscious of the work done includes extra marks. It is customary to make a commission to
to be in the sports competition, for which I would like to request the officials to gather for a formal introduction with our chief guest, Mr. Pulkit Singh, sir. It's after a very long time that we're having our annual sports day, and I'm very happy about it. And I would like to have more. I'd like to thank our teachers. Education policy 2020, all teachers are required to undergo 50 hours of mandatory training every year. I am very glad to put on record that with a quarter of the year still to go, 70% of our teachers have already completed their training. Forever conscious of our youngest stars. So fasten your seatbelts, because we are about to embark on a journey of tiny footsteps, big smiles, and unforgettable moments. Each one of them is a bundle of excitement, ready to dash to the finish line with all their might. So you are about to witness a race like Danyaga. देखो कितने क्यूट क्यूट छोटे छोटे क्यूट नर्सरी के जी के बच्चे हैं Class first, ball pickup and drop race for girls.
हमारी हमकाए इस दौड़ के लिए कमर कसते हुए तेजी से अपने लक्ष्य ओर बढ़ते हुए आप देख सकते हैं इनकी खेल भावना को देखिए। It's time to unleash your speed and show the world what you're made of. The finish line awaits for its winner. दर्शकों जोरदार तालियां हो गए। This is your moment. Own the track and run the race. भागो भागो और हमें हमारी विजेता मिल गई है। जोरदार तालियां हो जाए। We are the starting point for 200 meter dash race towards the left hand side audience. Welcome to the ultimate test of endurance and willpower. सभी धावक अद्भुत खेल भावना प्रस्तुत करते हुए देखना ये है कि जीत किसकी होती है। हमारे धावक Oh.
आगे बढ़ते हुए देखिए इस तरह हमने इंप्रूविंग हुए।